हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो में दशम श्रेणी अर्थनीतिर प्रथम अध्याय आर्थनैतिक विकास यही पाठटी को आम संपूर्ण रूप आलोचना करवा। वीडियो को समस्ते शेष पर्यंत देखिबो। वीडियो आरंभ में तुम समस्त कहीदेगी आम एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे प्रत्येक दिन सकाल 7 सहित संध्या 8 बेले दशम श्रेणी पिला मानकर क्लास होउछि। तेणु जी भी आम क्लास रे जॉइन करने चाहूछ एवं चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब करिबो जदि तुम मानको सब नोटिफिकेशन गुड़िक पहुँच जाता सहित आम टेलीग्राम जब जॉइन कर ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दीजिए से क्लिक कर जॉइन कर किंवा टेलीग्राम सर्च कर एसपी एजुकेशन 10th क्लास तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाव से तुमको क्लासेस रिलेटेड सबकि अपडेट गुड़िक सेयार करें सब सार मैम से सब अच्छा तुमको क्लास सबकि इनफर्मेशन आम टेलीग्राम मिल जाव। ठीक अच्छे सो आम पढ़ा बर्तमान अर्थनैतिक विकास फुल चैप्टर को ये गोटे वीडियो माध्यम रे हम कंप्लीट करबा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो स्टार्ट करबा अर्थनैतिक विकास। देखो कौन कौन सब टॉपिक गुड़ी अच्छे चैप्टर रे ना आम प्रथम देखा अर्थनैतिक विकास और निरूपण नेक्स्ट आलोचना करवा विकसित और विकासोन्मुखी देश तापर देखा विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था मानने पुंजीवाद अर्थव्यवस्था समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आम देखा भारतर अर्थनीति जोटा कि 1947 भितर भारत अर्थनीति व्यवस्था केमती थी है सैटा देखा तापर आलोचना करवा नूतन आर्थिक नीति मान 1991 नूतन आर्थिक नीति आसी कहीं एर कि तार कि भूल था कि मान अभाव रही जाता से बोले आम 1991 नुआ आर्थिक नीति आनते हैं आम आलोचना करवा नूतन आर्थिक नीतिर प्रभाव जो नूतन आर्थिक नीति आसाना ना तीन प्रकार आसाला गोटे थी उदारीकरण आ गए घरकरण आ गए जगतीकरण तो से तीन आम जहाँ भी किसी आम अर्थन डेवलप होती कौन कौन सब डेवलप होती कौन कौन तार सब प्रभाव पड़ता है देखा सुपरिणाम कौन 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 कुपरिणाम से देखा तापर मैं सब शेष आलोचना करवा विश्व वाणिज्य संगठन जोटा कह जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ता विषय आलोचना करवा पूरा आम चैप्टर कम्प्लीट हो। ठीक अच्छे एगुड़ी सब चैप्टर टॉपिक जाक ए टॉपिक सर मैंने आम फुल चैप्टर कम्प्लीट हो। ओके सो रिलैक्स हूँ बहुत आम स्लोली स्लोली पढ़ा कितु जल्दी पढ़ा मैंने सब जगह जो एक्सप्लेनेशन देवी बहुत इजिली पढ़ा स्लोली पढ़ा किंतु वीडियो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाए है तो स्टार्ट करवा। देख आर्थनैतिक विकास और निरूपण है आर्थनैतिक विकास अर्थ कौन आर्थनैतिक माने गोटे देशर अर्थनीति गोटे देशर के इनकम होार वाणिज्य व्यवसाय सब कमी चलती से हूँ अर्थनीति तार विकास हम विकास मैंने डेवलपमेंट है मानने कौन से देशर आर्थनैतिक अभिवृद्धि को आम कह आर्थनैतिक विकास बुझिपारे से देशर आर्थनैतिक अभिवृद्धि केमती घटव केमती घटव ना जदि गोटे देशर जातीय आय बढ़ुची ता सहित मुंड पिछा बढ़ुची ताल से देशर आर्थनैतिक विकास हो पार कौन कौन जिनांश कहली ना गोटे हूँ देशर जातीय आय बढ़िया पड़ो है मुंड पिछा आय जातीय आय सहित मुंड पिछा से देशर बढ़िया पड़ो ता सहित खाली जातीय मुंड पिछा पड़ने लोक मान जीवनधारण मान उन्नत होगा पड़ो मानते से देशर शिक्षा हो गमनागमन स्वास्थ्य तापर जो आम धर्म धर्मांतरित होना कि ये धर्म से धर्म सब धर्म धर्म नहीं कि गोटे रोचे अंतर कर नहीं कि से पड़ोनी समस्त को इक्वालिटी मिले पड़ो समस्त को सामानता मिले पड़ो यू मैं मैटर करें सब हेले आम कह कि से देश अधिक विकासशील अटे से देश अधिक विकसित अटे तो मेजरली दुटा जिस डिपेंड कर कौन जदि गोटे देशर जातीय आय बढ़ुची मुंड पिछा बढ़ुची आम कह से देशर आर्थनैतिक विकास संभव हो पार है तो ये कौन कह जातीय आय कौन मुंड पिछा आय कौन ना जातीय आय कौन बुझ ना से देशर समस्त द्रव्य द्रव्य प्लस सेवा प्लस विदेश किसी मुंड पड़ ना सर कौन द्रव्य सेवा विदेश लिखीदे कौन बुझ अर्थ जातीय आय मैंने कौन गोटे देशर टोटाल के इनकम हो हेले कतटा सोर्स इनकम हो पार कह मात्र तीन टा कौन कौन गोटे द्रव्य मान के परिमाण से द्रव्य उत्पादन कर पार्चे से द्रव्य मूल्य के नंबर वन नंबर टू हूँ सेवा सेवा क्षेत्र मान कौन बैंक हो कि रेलवे हो कि आमर जो गमनागमन बाकी जो बस अच्छी सेगुड़क हो कि शिक्षा क्षेत्र में तुम कौन टीचर मैंने तुम पढ़ाऊ थी तुम्हें किसी पेमेंट दौ तुम गोटे जगार आउट जगह जाऊ है रेलवे तो कौन कर टिकट काटुच से किसी टाँह दौ तुम जगह जाऊ है कि आमर स्वास्थ्य क्षेत्र में तुम डॉक्टर पाखु जाऊ से तुम ट्रीटमेंट कर तुम जहाँ किसी पैसा दौ तो यह सब कौन कौन प्रकार सेवा है सेवा क्षेत्र में किसी इनकम होती विदेश विदेश में किसी आय होती कमी आम रप्तानी करवा जिन गुड़ कि विदेश बैंक में किसी आम
ରଖିବା ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସୁଧ ମିଳିବ। ତ ଗୋଟେ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ତିନି ସୋର୍ସରୁ ହିଁ ସେ ଦେଶର ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ତିନି ସୋର୍ସରେ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଆୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ, ତା ସହିତ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ଟା ସେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆୟ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଜି ଡି ପି। କ'ଣ କୁହାଯିବ ଜି ଡି ପି? ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବ କି କ'ଣ କହୁଥିବେ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାନେ କହୁଥିବେ ଦେଶର ଜି ଡି ପି କମିଗଲା, ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ କହୁଛି ନା, ତାକୁ ଜି ଡି ପି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଇ ବେଲେ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆୟ, ତେଣୁ ଦେଶର ଯେତେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ସେ ଦେଶ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେପରି ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଜାତୀୟ ଆୟର ହାରାହାରି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆୟ, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ କରିଦେବ ହେଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଭାଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଏତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛି, ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ହାରାହାରି ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ସେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ସତ କଥା ଏଇଟା, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଜାତୀୟ ଆୟ ନା ଆମ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା, ଭାରତରୁ ବି ବହୁତ କମ୍, ତଥାପି ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ କି ଭାରତରୁ ଜାତୀୟ ଆୟ ବହୁତ କମ୍, ତଥାପି ସେମାନେ ଅଧିକ ବିକଶିତ। ତା ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କମେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବଢ଼ିବ ନାଇଁକି? ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଅଛି 20 ଅଛି ହେଲା, କେତେ 20 ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଚାରି ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବି, ତାହେଲେ ଜଣକୁ କେତେ ପଡ଼ିବ, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ ହେଲା କି? 20 ଅଛି, ମୁଁ 5 ଜଣ ପିଲା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି, ତାହେଲେ ଜଣକୁ କେତେ ପଡ଼ିବ, 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ ନା? ତ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି କମ୍ ସେଠି ଅଧିକ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଯେଉଁଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେଠି ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ନିହାତି ବି କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଠି 4 ଜଣ ପିଲା ନା, ତେଣୁ ଅଧିକ ଏଠି ଆସିଲା, ଏଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ, ତେଣୁ ଜଣ ଜଣକୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେପରିକା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବ ହେଲା କି? ଏଥିରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ବହୁତ ଦେଶ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଆୟ ଭାରତ ସହିତ ସମାନ କି ଭାରତରେ କମ୍, ତଥାପି ସେ ଦେଶର ବା ସେ ଦେଶ ଅଧିକ ବିକଶିତ। ତା ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ଅଛି ହେଲା, ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବଢ଼ିବ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଦେଶ ଅଧିକ ବିକଶିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଆୟ ଭାରତ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ଭାରତରୁ ବହୁତ କମ୍, ତଥାପି ସେ ଦେଶ ଅଧିକ ବିକଶିତ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ, ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅଧିକ ହେବ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ, କାରଣ ଜାତୀୟ ଆୟ ତ ବଢ଼ିବ, ଜାତୀୟ ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ନେବ ଭାରତ ପରିକା, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ କେବେ ବି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କମିବ କିମ୍ବା ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋସରେ ବଢ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସିବ କି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ଭୁଲ ଜୀବନ ଏଇଟାକୁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ଭାରତର କେମିତି କଣ୍ଡିସନ, ଭାରତର ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭାରତ ଆଜି ପୁରା ଆମର ପୃଥିବୀରେ ବିକଶିତ ଦେଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ବି ଦେଖେ ଭାରତର କେଉଁ ମାସରେ କେତେ କେତେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଛି ନା, 1950 ନା ଭାରତ ଜାତୀୟ କେତେ ଥିଲା, 1, 3, 2, 3, 6, 7, ତାପରେ ଆସିଲା 2003-04 ଭାରତର କେତେ ଅଛି ନା, 12, 6, 6, 0, 0, 5 12, 6, 6, 0, 0, 5 ସେ ଏତିକି କୋଟି ହେଲା, ଏତିକି କୋଟି। ତାପରେ ଆସିଲା 2010-2011 ଭିତରେ 48, 85, 9, 5, 4 ହେଲା, ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା, ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ, ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ 36,871। ଆଉ 2010-2011 ଭିତରେ କେତେ ନା, 53,331 ଏତିକି। କ'ଣ ବୁଝ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି 1950 ନା ଭାରତର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏତିକି ଟଙ୍କା, 1,32,367 ଟଙ୍କା ଏତିକି ଥିଲା ହେଲା 1950-91 ଜାତୀୟ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଏତିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିଥିଲା, ତିନିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ
किंवा सेवा क्षेत्र रे आउ विदेश रे आस्थिबा आयो क्षेत्र सब मिसिगिरी एतिक इनकम करथिला। 2003-04 केते इनकम करछि भारत 12,86,005 एतिक कोटि टंका हला। आउ 2010-11 केते इनकम करछि 48,85,954 कोटि टंका ठीक अछि। एतिक भारत इनकम करि परछि। 2003-04 रे भारत रो मुंडु पिछा केते एतिक 36,871 माने गोटे वर्ष एति मुंडु पिछा। आउ 2010-11 रे मुंडु पिछा केते 53,331 ता माने मुंडु पिछा धीरे धीरे बढ़ी। 2003-04 जी थी ना 10-11 बेलू ये पर बढ़ी है 36-53 होने टी टे ग्रोथ देखाई है केत वर्ष 2003-04-10-11 मैंने के 3-10 7 वर्ष मात्र ये सब बढ़ी पार्टी मुझे विचार यहाँ परीक्षा प्रश्न आस पाला मैंने एमती प्रश्न आसो कि 1950-51 भारत मानने मोट जत क्या तो आंसर लिखी बोटा कि सुविधा मन रखी दिव्य घुस घुसी मन रखी दिव्य कहला कि सूत्र ना यहाँ मन रखा पड़ो है ये टाइम के 12,86,005 ये कौन टाँग था ये टाइम के मोट जत आ 2003-04 मुंड पिछा के 2010-11 मुंड पिछा के 53,331 टाँग ठीक अच्छे बुझला समस्ते इन देखा यहाँ है तो फास्ट सर जमा अर्थनिक विकास निरूपण के सर जाए कमी निरूपण हम ना मुंड पिछा देखिकी देश मुंड पिछा के बाहर मोट जत यदि जनसंख्या द्वारा भाग कर मुंड पिछा आसो है तो सब किसी बुझीगल ना कि देखिए कौन विकसित और विकासोन्मुखी देश तो या रिविजन करदे आम कौन देखे आर्थनिक विकास मैंने कौन देखे आर्थनिक अभिवृद्धि आर्थनिक अभिवृद्धि केमती हम से देश में मोट जतियाय सहित मुंड पिछा बढ़ावा पड़ो मुंड पिछा मुख्यतः क्या निर्भर करेर जनसंख्या उपला से देशर जनसंख्या निर्भर करपर आम कौन देखे ना अनेक देश एमती अच्छा जो मान मोट जतियाय भारत सहित सामान क्या भारत कम तथापि से अधिक विकसित मूल कारण कौन से देशर जनसंख्या भारत अपेक्षा बहुत कम है। नेक्स्ट टाइम आलोचना कले भारत कुमार सब कौन कौन के जितिया आते मुंडा होता है सरला ए देखा विकसित आ विकासोन्मुखी देश है मुझे गार पकई दूसरी एपटे कौन विकसित है कि विकसित देश एपटे कौन लिखे मुझे विकासोन्मुखी विकासोन्मुखी देश है तो देख विकसित देश किए किए तुम नवम श्रेणी मैं पढ़ थ उदाहरण किए कि जीव आम अमेरिका है ना अमेरिका तापर इंग्लैंड है कि इंग्लैंड नेक्स्ट हूँ फ्रांस तापर जर्मनी आउ कि जापान एम सब कौन अधिक विकसित देश मैंने जो देशर अर्थनीति अलरेडी विकास हो सारी मैंने पूरा डेवलप कर बहुत डेवलप हो जाकर से हूँ कौन विकसित देश आ विकासोन्मुखी देश किए किए सहजे मन रही तुम या भारत ना कि ये भारत ये कौन अच्छी कहल भारत मान एक पाकिस्तान अच्छे से दुई श्रीलंका अच्छे तीन बांग्लादेश अच्छे चार तो ये चार नाम मन रख तुम बहुत ये दीची अब बेसिदी एम सब विकासोन्मुखी देश बहुत देश अच्छे विकासोन्मुखी बहुत देश विकसित अच्छे कि बहुत ये अच्छे तो ये भितर प्रश्न आसो है तो विकसित किए किए ना से अमेरिका अमेरिका मन रख इंग्लैंड फ्रांस तो आराम से मन रही तुम कहीं ना भारत को आसते से कंपनी प्रतिष्ठा करने इंग्लैंड कौन करता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता आ फ्रांस करता फरास ईस्ट इंडिया कंपनी तासत जर्मनी जापान दुईटा जज अच्छी तो ये सब कौन गोटे गोटे विकसित देश आ विकासोन्मुखी किए किए ना भारत सब पड़ोसी गुड़िक भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश सब होती विकासोन्मुखी देश। नंबर टू कौन ना जनसंख्या जे विकसित देश से जनसंख्या कौन थी कहल जनसंख्या बढ़ी बढ़ी जा नियंत्रित अवस्था थी कमेंट कर देखा कौन हम जे विकसित देश ना से जनसंख्या पूरा नियंत्रित अवस्था थी मैंने बेस स्पीड नहीं कि बेस कम ना पूरा कंट्रोल जाऊँगी कौन विकासोन्मुखी देश मान से जनसंख्या बहुत स्पीड बढ़ी जाऊँगी बहुत स्पीड से जनसंख्या बढ़ुच्च खाली जेहतु से जनसंख्या बहुत स्पीड बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तेणुक से मुंड पिछा कम आज मुंड पिछा कम है से देश आ कौन विकसित हो पार कि ना से विकासोन्मुखी मैंने विकास दिग्वे से गति करें पहुँची ना आ स्तर में है बुझे समस्ते तो दुटा पॉइंट सरला। नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ देश में जितिय आय कि मुंड पिछा दी जान है जितिय मुंड पिछा मैंने जम्मू है तो कौन हम एम बहुत अधिक है ना तापेक्षा विकासोन्मुखी देश अपेक्षा यही देश मान मैंने कह जे विकसित देश अच्छे जो अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी जापानी मान जितिय आय मुंड पिछा सब अधिक अटे कि कौन अटे अधिक कम अटे आग तुलन एम बहुत कम अटे तेणुक एमने विकासोन्मुखी देश। नेक्स्ट नंबर कौन अच्छी नेक्स्ट हूँ
जीवन धारण मान है कि जीवन धारण मान कौन मानक अधिक उच्च मानकर निम्न जीवन धारण मान मान कौन पूरा किए के बिंदास रही देखी थोड़ा विकसित देश ना समस्त घरे घरे कार थी कि आम भारत भर का विकास देश किसी घर एमती है जहाँ घर की सैकेल भी ना एम सिचुएसन फेस कराया पड़े तो मैंने जीवन धारण मान अधिक उच्च से शिक्षा हूँ स्वास्थ्य हूँ सब क्षेत्र में है से बहुत उच्च मानते बहुत स्वच्छंद जीवन जापन करते मानकर बहुत बहुत कम बुझीपार तेणु एगुड़ी हूँ कौन विकसित विकासोन्मुख देश मध्य पार्थक्य पुणी थे मुझे रिविजन करदे एक्जामपल कौन ना आमेरिका इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी जापान जज मन रही आराम से फ्रांस इंग्लैंड मन रही आमेरिका कि यार कौन कि भारत पाकिस्तान ये श्रीलंका अच्छे बांग्लादेश अच्छी ये चार्ट विकासोन्मुख देश नेक्स्ट कल जनसंख्या मानक जनसंख्या नियंत्रित अवस्था अच्छी कंट्रोल मानक जनसंख्या रोचे कि बहुत स्पीड जनसंख्या बढ़ुची है से रही मेजर मैंने मुख्य कारण एने विकासोन्मुख देश से विकासोन्मुखी देश कौन पाऊँ से जनसंख्या बढ़ुची आज जी देश में संबल अच्छी ना संबल पर चाप पड़ी मैं मनकर अच्छी संबल लोकसंख्या कम अच्छे तेल कौन जन जन अधिक पड़ो लोकसंख्या बढ़ी गले कौन हम संबल टे पड़ो है मेन प्रोब्लेम तपर कौन मैं जितिया मुंड पिछा बहुत अधिक एम बहुत कम आ जीवन धारण मैंने अधिक से बहुत कम है तो बर्तमान सही जाइए नेक्स्ट आम कौन देखा विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था विषय आलोचना करवा ठीक अच्छे तो वर्तमान देखो आम डिस्कशन करवा विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था बा विभिन्न प्रकार आर्थिक नीति उपर आलोचना करवा देख पृथ्वीर सबू देश चाहते किपर आम देशर जो लोक मैंने बास कर जीवन धारण मान उच्च हम एपाई से कौन कर देश विकास होगा पड़ो एमर मोट जातिया बढ़िया उचित सहित मोट जो मुंड पिछा अच्छी से बढ़िया पड़ो है सबू देश चाहते कि आम देश के जातिया बढ़ो एवं आम देशर मुंड पिछा किपर बढ़े जामर जो लोक मैंने बास कर जीवन धारण मान उच्च पार तेणु टोटाल आम तीन प्रकार आर्थिक नीति अच्छी तीन प्रकार अर्थव्यवस्था अच्छी सब देश गुड़िक तीनटा भितर जेकोसी गोटे को आपणुंला कौन कौन ना गोटे हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आउ गोटे हूँ समाजवादी अर्थव्यवस्था आउ गोटे हूँ मिश्र अर्थव्यवस्था कौन एगुड़ी विषय में आम टे आलोचना करवा देख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मान कौन जोटा कि देशर वृद्धि हो कि शिल्पोद्योग ए सबूक घर संस्था किंवा व्यक्ति विशेष मालिकाना थाए मैं जहाँ भी देश में शिल्पोद्योग अच्छी देशर वृद्धि जो जो क्षेत्र सहायक ये सब जगह मालिक किए सब प्राइवेट गुड़िक मानने घर मानने जन जन व्यक्ति हो से कि ग्रुप लोक थे से तार मालिक हे है तो आर मालिक किए पूंजीवादी जो देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलुची से देशर जो सब शिल्पोद्योग ये सबूर मालिक सरकार ना मालिक किए मालिक हूँ एमने घर संस्था कि व्यक्ति विशेष से तार मालिक हे आदेश जेहेतु प्राइवेट लोक मैंने पूरा ये शिल्पर मालिक अटंती तेल से चाहे कि जनकल्याण हो ना से कहे किपर आमर लाभ हम मैंने सब निजर लाभ आस रखी से सब कार्य करती है से कहे जनकल्याण किसी असुविधा नहीं कू हूँ कि न हो आमर किपर अधिक उन्नति होने चाहिए कम कर चलिए है नंबर टू हूँ कौन समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो देश चलुची ना से देश में सबकि देशर उत्पादनकारी संस्था हो कि जे सेवा प्रदान कर सब ए सबूर मालिक किए हम ना सरकार सरकार नहीं मालिक हे ये किए मालिक ये सब जगह से उत्पादनकारी संस्था हो कि शिल्प हो सब मालिक किए घर व्यक्ति कि मालिक हो सरकार यार कौन लक्ष्य ना लाभ हासिल कि कार्य करती कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ना सरकार तो मालिक ना तेनाली सरकार चाहे कि सरकार लाभ हो ना कहीं सरकार लाभ हो पांच वर्ष पर तार सरकार भागी नुआ सरकार पैसा पाइज तेनाली के सरकार को फायदा पाई कम करेनि से कौन कम करेंगे जनकल्याण किपर आम जो अंचल सरकार जो अंचल आम शासन करूँ से अंचल जनकल्याण किपर पार लोक मैंने किपर भल भाव खुशी रही पारे मैंने प्राधान्य देवे कौ अर्थव्यवस्था एमती हूँ समाजवादी अर्थव्यवस्था नंबर थ्री हूँ मिश्र अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था मालिक किए उभय मानने जो घर संस्था और सरकार दीजा मालिक अटंट मैंने किसी संस्था एमती अच्छी जोटी मालिक हूँ घर गुड़िक व्यक्ति विशेष आउ किसी एमती क्षेत्र अच्छे जोड़ी की मालिक हो सरकार है कौटे ना मिश्र अर्थव्यवस्था मैंने दुजारे मिसी जाए आठ कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से लाभ पर कम करते समाजवादी जनकल्याण कम करते कि कौन दिल जाक मानने जो देश में मिश्र अर्थव्यवस्था चलुची ना से देश कह आमर मैं देशर लाभ हे सहित जनकल्याण किपर हे से दिल जाक से ध्यान रखी कार्य करेंगे तो एथर अनुमान कल भारत कौटा अच्छी आम देश भारत कौ अर्थव्यवस्था अपणी पूंजीवादी ना समाजवादी ना मिश्र अर्थव्यवस्था भारत अपणी मिश्र अर्थव्यवस्था को है
जोटि की भारत एम बहुत किसी क्षेत्र अच्छी जो मालिक किए सरकार एमती बहुत किसी क्षेत्र अच्छी जो मालिक हूँ घर संस्था गुड़िकमें कह कृषि क्षेत्र होगा कृषि क्षेत्र कि बहुत एम बड़ बड़ सब कारखाना गुड़िक अच्छे तार मालिक किए सरकार एक्जामपल देवे सरी तार मालिक किए व्यक्ति विशेष घर संस्था गुड़िक एक्जामपल देवे टाटा किंवा रिलायंस कंपनी हो कि बजाज कंपनी होने सब कौन तक मालिक हूँ गोटे गोटे प्राइवेट अर्गानाइजेसन गोटे घर संस्था हूँ तार मालिक है किंतु आम देश कहि रेलवे सेवा हूँ जो रेल विभाग हो डाक विभाग हो तार मालिक किए तार मालिक सरकार ना बुझिपार रेलवे विभाग हो कि जो पोस्ट होना सब मालिक किए सरकार तो आम देश में कौन मिसिंग चलती मैंने अधार मालिक सरकार आधार मालिक किए घर संस्था गुड़ी है तो ये टाइप चलती तेनाली कौन मिश्र अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था ना सरकार शिल्पपति मान घर संस्था को सहयोग कर आ घर संस्था मैंने कौन सरकार को समर्थन करेंगे कि मिशा हिसाब से उभय समर्थन हिसाब से देश पूरा बढ़ी बढ़ी चलती तथापि आम देश अर्थनीति बहुत दुर्बल कहीं मेन रिजन हो जनसंख्या आम देश जनसंख्या बहुत अधिक सबुठ मुख्य कारण ना आमर ना सब भल अर्थनीति आम अपने जनसंख्या आम एमती असुविधा देखा होगा तो बुझे समस्ते जो आम विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थनीति अच्छी तीन प्रकार गोटे पूंजीवादी आ गए समाजवादी आ गए मिश्र अर्थव्यवस्था पूंजीवादी कौन ना सब जो संस्था जो क्षेत्र गुड़िक तार मालिक किए घर संस्था बा व्यक्ति विशेष मालिक तार आ तार कम कौन ना से निज लाभ पाए कम करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था जो देश चलती सेठी सब क्षेत्र में मालिक किए सरकार निजे आ मैंने से मैंने कौन को लक्ष्य रखी कम करती जनकल्याण को लक्ष्य रखी कम करेंगे मिश्र अर्थव्यवस्था मालिक किए घर संस्था सहित सरकार मालिक अठी आउ कौन से कम करती लाभांश रखे सहित जनकल्याण सब किस एक्जामपल हूँ भारत है भारत में कहली भारत कौ क्षेत्र में जमी रिलायंस बजाज टाटा से टिके मालिक हूँ घर संस्था गुड़िक रिलीफ विभाग हो डाक विभाग हो ये मालिक किए सरकार है तो बर्तमान आगे पढ़ा आम नेक्स्ट कौन से देखा अभी देख नेक्स्ट हूँ भारत अर्थनीति मान 1947 1991 भितर भारत अर्थनीति किपरी थी 1947 भितर भारत अर्थनीति किपरी से विषय आलोचना करवा तो आउटे पचुक फेर जाए प्रथम मान 1947 पूर्वर जितेबाला ब्रिटिश आसिक भारत को शासन करुला से समय भारत अर्थनीति कौन थी भाव कह बहुत शोचन होता मैंने से चाहून कि भारत किपर अर्थनीति क्षेत्र डेभलप करूँ कहीं से कौन से सब उपनिवेश स्थापन करते भारत आसिकी है मैं तक निज देश फायदा भी से कम करते भारत कौन हो किसी जाए आमर किसी जाए ना भारत अवस्था जहाँ हो से भारत सब सामग्री तक धरी पलाऊते हैं एमती भाव में करते तो से मैंने से समय भारत जातीय हो मुंड पिछा हो कौते भी अधिक उन्नति देखाई नाला मैंने एमती कि आम से समय खाद्य सामग्री बहुत कम पड़ता जो आम विदेश खाद्य सामग्री सब आमदानी कराया पड़ता एमती अवस्था थी कितने देश स्वाधीन होगा 1947 स्वाधीन होना तापर पर विभिन्न पंचवार्षिक योजना मन रख कौन जहाँ इंग्लीश में कहते हैं 5-year plan है कि 5-year plan ओडिया कौन पंचवार्षिक योजना तो पंचवार्षिक योजना मध्यम किपर देशर अर्थनीति बढ़ी बढ़ी जाकू ध्यान रखी सब योजना कराई चलती है तो जो 5-year plan पंचवार्षिक योजना मान कौन ना से कौन करेंगे 5 वर्ष पूर्व प्रथम योजना गोटे प्रस्तुत करेंगे से ए प्लां हिसाब से आम आगामी 5 वर्ष एमती सब योजना गुड़िया करवा है मैंने सपोज ये 2021 मसीहा तो यह वर्ष कौन पूरा सब मीट हम भारत जी सब अर्थनीतिज्ञ अच्छा है कि से सब बसवे बस कौन करेंगे गोटे मीट कर हाँ आगामी जो 5 वर्ष मैंने 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ये 5 वर्ष आम अर्थव्यवस्था किपर हम आम सब कौ क्षेत्र में कम करा पड़ो सी विषय सब प्लान करेंगे से विषय योजना करेंगे कह पंचवार्षिक योजना तो विभिन्न प्रकार सब पंचवार्षिक योजना मैंने प्रति 5 वर्ष थर करी आगे आगे बढ़ी बढ़ी चलो तो यही पंचवार्षिक योजना मध्यम भारत अर्थनीति किपर उन्नति पार्ता पूरा विभिन्न व्यवस्था कर भारत सरकार हो भारत जे सब अर्थनीतिज्ञ अच्छा से सब होगा तो विभिन्न क्षेत्र में सब आम उन्नति आम सब गोटे गोटे आलोचना करें प्रथम देखिए कृषि क्षेत्र में कौन कृषि कृषि क्षेत्र में सब कौन उन्नति कर देखा तापर देखा आम शिल्प क्षेत्र में है कौन शिल्प क्षेत्र देखा नेक्स्ट देखिए कौन सेवा है सेवा क्षेत्र में कौन सब आम योजना कराई कौन कौन सब उन्नति होती कृषि क्षेत्र ना भू संस्कार आईन आना कौन भू संस्कार संस्कार है कि भू संस्कार आईन एट पे परीक्षा प्रश्न आस भू संस्कार आईन कह कौन
ना तीनटा ये जो भूसंस्कार आईन ना तीन टा नियम कराई कौन कौन तो सी नंबर वन थी जमीदारी प्रथा उच्छेद है जमीदारी प्रथा उच्छेद नंबर टू थी सरकारी जमी प्रदान सरकारी जमी प्रदान नंबर थ्री हूँ जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण है मन रखते ना बहुत संस्कार आने कौन तीन टा अच्छे गोटे कौन जमीदारी प्रथा उच्छेद मैंने पूर्व जमीदारी प्रथा थी लोक मैंने ठीक सब मानते कृषक मैंने ठीक रे मैं निज गोटे इच्छा अनुसार से कम कर कहीं जमीदार से मैंने कौन कौन जमी आने चाष करेंगे निजर लाभपाई बेस से करें कहीं जमी आने चाष करते जमीर भड़ा देवा पड़ो जहाँ भी उत्पादन करते अधा कि अल्प एम किसी दूसरे तो से कृषक मैंने बहुत उन्नति कर पार ना मैं जी दरकार से परिमाण में शस्य उत्पादन कर पार ना तो जमीदार प्रथा हटाईला सरकार जमी प्रदान क्या सरकार जमी प्रदान कराला जमीहीन कृषक मानक जो कृषक बिल्कुल भी जमी ना से सरकार सब जमी गुड़े प्रदान कले नंबर थ्री जोतर सर्वसीमा निर्धारण मानने जो जो मालिक मैंने जो महाजन मान पाखे बहुत बहुत परिमाण में जमी थी से हड़प कर रखी जमी गुड़िक तार कौन कराला सरकार गोटे नियम बाहर कले कि मैक्सिमम तुम पाखे ये जमी रही पार आठ अधिक रहा मैंने से सरकार जबत करदेव ताक नहीं कि जमीहीन कृषक मानक दब बा जो भूमिहीन कृषक से दब है सी हूँ कौन जोतर सर्वोच्च निर्धारण मानते जड़े सर्वोच्च एति जमी रखिपार तार गोटे सीमा निर्धारण करदे तो यहाँ कौन भूसंस्कार आईन मन ना भूसंस्कार आईन कौन कहे तीन नियम कराई तो परीक्षार अप्सन आसो कि कौटा भूसंस्कार आईन नुहे ये तीन थी तो आउट किसी देव तुम कौन कर जोड़ा देखो टेक् करदेव ये तीन भितर जीव है आउ कौन कर जलसेचन व्यवस्था कराई एटा तो कहला भूसंस्कार आईन में आउ कौन जलसेचन है कि जलसेचन में कौन कराला सब ना विभिन्न प्रकार क्षुद्र हो बृहत हो कि मध्यम धरण जल अमल प्रकल्प गुड़े तैयारी कराला बड़ बड़ ड्याम कराला है बहुत बड़ ड्याम सब कराई ड्याम कले कौन पा बंधाई जीव से जहाँद्वारा कृषक मैंने आराम से पा नहीं जमीन चाष कर पार्टी आउ कौन जान जो ना कृषक मान सब पंचायत स्तर में तालीम दिखाई तो ग्राम पंचायत बुल बुल जी सरकार लोक मैंने से गाँव जी जी लोक मैंने थे सब डाके तालीम देते एमती सब कर ये नुआ कौशल प्रयोग कर तुम चाष कले जमी में अधिक जल जल चाष हो अधिक परिमाण चाष कर किसी फसल नष्ट से बोली कृषक मान सब ग्राम पंचायत बुल बुल तालीम दिखाई है परीक्षा प्रश्न आसो जे कृषक मानक क्योंठे तालीम दिवला है कृषिपाई क्योंठे तालीम दिवला आंसर कौन लिख ग्राम पंचायत मन रख सहर कि राज्य में मन रखिए कौन लिख ना ग्राम पंचायत स्तर में कृषक मान तालीम दिखाई है जलसेचन सरला जलसेचन सरला कृषक मान तालीम कर सरला आउ गोटे हूँ ऋण प्रदान है ऋण ऋण मान कौन ना लोन है ऋण मान कौन लोन मैंने कृषक मान सब लोन दिया कि पैसा नि स्वल्प दर में बहुत कम दर से ऋण दिहला जहाद्वारा से कौन करेंगे कह ना बैंक से पैसा ने कृषि क्षेत्र में से नियोजित करेंगे से टाँग तो सब व्यवस्था कराई कृषि से कौन कौन ना भूसंस्कार आईन आना भूसंस्कार आईन कौन थी जमीदारी प्रथा उच्छेद कराला सरकार जमी प्रदान कराला क्या भूमिहीन कृषक मान को आतर सर्वस्व निर्धारण कराला तापर कौन जलसेचन व्यवस्था कराला जो क्षुद्र मध्यम धरण बृहत धरण सब जलमूल प्रकल्प गुड़ी तैयारी कराला तापर कौन कहे ग्राम पंचायत स्तर में कृषक मान बुल तालीम दिहला नेक्स्ट हूँ से स्वल्प दर में ऋण प्रदान कराला बैंक तरफ है तापर सर शिल्प शिल्प कौन कराई नंबर ए हूँ कौन टिकस है टिकस से छाड़ कराला मानते बहुत रिहाती दर में टैक्स कलेक्ट कराला जो मैंने शिल्प कारखाना करा चाहूँ से देख अन्य जब अधिक इनकम होती है सरकार कौन कर टैक्स पक तुम जब पांच लक्ष इनकम कल तुम 10% किए 15% तुम आम टैक्स नौ एमती है कि जो कारखाना जी बनाऊ ना तुम्हें टिकस छाड़ कराला बेस नुह अल्प रिहाती जो टिकस जो रिहाती नहीं कि रिहाती दर से टैक्स कलेक्ट कराला मैंने बहुत कम कम से निला तो से कह ठीक अच्छे आम जब जितने इनकम है भी सरकार आमको अल्प अल्प टैक्स पकेबे आम कौन कर कारखाना तैयारी करें कले एटा गोटे पदक्षेप आउ गोटे पदक्षेप कौन ना ऋण प्रदान कराला है जे कारखाना कर चाहला शिल्प गोटे इंडस्ट्री तैयारी कर चाहला ताकू बैंक तरफ कम दर में ऋण मिलूला आउ गोटे कौन ना कंचामाल है कि तुम जो इंडस्ट्री तैयारी कर गोटे कारखाना बनाऊ विभिन्न प्रकार से कंचामाल दरकार तो देश में जहाँ भी कंचामाल बाहर दिहला सहित विदेश में कंचामाल गुड़ सब आमदानी कराला करी शिल्पपति मानक कंचामाल जगह दिगला यहाँ कौन हम ना से अधिक इंटरेस्ट नहीं कि कारखाना तैयारी चालू करेंगे है तो यह कौन शिल्प क्षेत्र में तीन जिनस कराई टिकस छाड़ कराला टिकस रिहाती दर में किसी रिहाती कराला ऋण से प्रदान कराला
आउ कंचामाल गुड़ सब विदेश में आमदानी कराइला सेवा क्षेत्र में सेवा मानने कौन बैंक हो कि डाक विभाग हो कि जो सब बीमा हो इन्सुरांस सेक्टर है रेल विभाग ये सबूर पूरा परिसर बढ़ी बढ़ी चलला है आप सब प्लान करा और यू सब किपर अधिक वृद्धि हे तब योजना कराला शेष एगुड़ी बहुत स्पीड बढ़ी बढ़ी चलला मैंने जोर से बैंक सब खोला रेल विभाग सब जोर से देशर सब जगह को कनेक्ट कराला बीमा क्षेत्र में अधिक अधिक ध्यान दिखाला है आम डाक विभाग में डाक पोस्ट आग कौन सब पोस्टल कार्ड जाऊँ चिठी जाऊ सब कि तार अधिक विकास कराई तो ये कौन सेवा क्षेत्र में आ गए मेजर मैंने बहुत इंपोर्टेंट जिनस पे सबुज विप्लव मैं गोटे इरेज कर सबुज विप्लव से टाइम खाई सबुज विप्लव है कि सबुज विप्लव सबुज विप्लव मान कौन ना जोटा कि आम षाठी दशक रही है षाठी दशक मैंने जानते कौन उन्नीस षाठी मसरे सबुज विप्लव हो सबुज विप्लव मान कौन ना हाइब्रिड मंजी सब जो शस्य क्षेत्र ना कि कृषक मैंने जो मंजी व्यवहार कर पूर्वर बहुत अनुन्नत मान मैं निम्नधरण मंजी गुड़ व्यवहार करते बहुत कम कम शस्य उत्पादन होता तेणुक कौन खाद्यपाई बोले आम अन्य देश को निर्भर करा पड़ता कि सबुज विप्लव आसाना ना षाठी दशक एट मन रख पे के सबुज विप्लव आसते ना षाठी दशक षाठी एटा मन रखी ना से कम कराला विभिन्न हाइब्रिड मंजी गुड़िक कृषक को दिगला विभिन्न सब कृषि उपकरण गुड़िक जगह दिगला यहाँ कौन कले बहुत कम टाइम अधिक अधिक शस्य उत्पादन कले मैं एत पर शस्य उत्पादन हो गला कि आम देश में जहाँ दरकार सब लोक मानक मिलला ता बहुत परिमाण बल किल जोटा कि आम विदेश मत रप्तानी करें एमतीका सिचुएसन होता है जितने सबुज विप्लव आसला है तो कब सबुज विप्लव षाठी दशक होता है मान जो कि 1960 मसीहा स्टार्ट सबुज विप्लव है तो ये कौन डिस्कस कले कहल ना 1947 मसीह 1991 मसीहा से भितर आमर शिल्प क्षेत्र में कौन कृषि क्षेत्र में कौन सेवा क्षेत्र में कौन एवं जो सबुज विप्लव होता है यह सब किसी पूरा आम डिस्कसन करें आ गोटे इंपोर्टेंट जिस मन रख पाला मैंने जो शिल्प क्षेत्र ना जो विकास विभिन्न योजना कराइला से 1948 मसीहा पर स्टार्ट होता परीक्षा प्रश्न आसी शिल्प क्षेत्र में विकास दिख क्यों मसीहा स्टार्ट कराई शिल्प क्षेत्र में विकास आएगा बोली क्यों मसीहा योजना प्रस्तुत कराई तो आंसर लिखे कौन 1948 मैंने जो वर्ष स्वाधीन से वर्ष ना तार ठीक पर वर्ष स्वाधीनतार ठीक पर वर्ष मैंने 1948 मसीहा शिल्प क्षेत्र में किपर विकास हम ताप्रति ध्यान देवार लगे पड़े समस्ते है सब अर्थशास्त्र मैंने अर्थशास्त्री मैंने विश्व करेंगे लगे पड़े तो बास एटा सरला आम कौन देखे आम ए भारत अर्थनीति 1947 रु 1991 मसीह कौन थी सर सरला एवं देखा कौन नूतन आर्थिक नीति जोड़ा कि 1900 तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा नूतन आर्थिक नीति जोटा कि प्रचलन होता 1991 मसीहा तो प्रथम आलोचना करवा कि नूतन आर्थिक नीति कौन पर प्रचलन होता जिते बड़े 1947 मसीह देश स्वाधीन होगा तापरठू आम देश क्यों प्रकार आर्थिक नीति को अपणी ना से हूँ मिश्र अर्थव्यवस्था ना कि पढ़ते पूंजीवादी समाजवादी मिश्र अर्थव्यवस्था पढ़ते से भितर आम देश क्यों अर्थव्यवस्था ग्रहण करता मिश्र अर्थव्यवस्था जोटा कि सरकार घर संस्था को समर्थन करुला घर संस्था मैंने सरकार को समर्थन करुले तो यह प्रकार बहुत आराम से चलता शिल्प क्षेत्र में विशेषकर किसी विकास देखाई कि प्रोब्लेम कौन थी से समय ना सरकार कौन करते सब घर संस्था गुड़ी अधिक मात्राधिक परिमाण नियंत्रण को रखी थे से मैंने निज इच्छा अधिक सामग्री प्रस्तुत कर पार नए निज इच्छा कौ सामग्री तैयारी कर पार नए सबकिछपाई से मैंने से सरकार परमिशन देवा पड़ता है तो एमती किसी तेणु से कौन जेहतु निज इच्छा किसी ना तेणु से क्षेत्र में अधिक डेवलप देखाई से क्षेत्र डेवलप देखाई तेल से लाभ हेनी आ सरकार द्वारा जो संस्था गुड़ा चलता सरकार तो केवे भी लाभ पाई कम करेंगे ना सरकार कौन करेंगे सरकार सबुद चाहिए किपर आम जनकल्याण होगा खाली जनकल्याण हो सी दिखा ध्यान दे तेणु सरकारी जो संस्था गुड़िक किसी फायदा होलानी आउ जो घर संस्था थी तर सरकार नियंत्रण रखी तेनाली करें तेणुक संस्था डुबला ता सह सरकार जो संस्था गुड़ी डुबला बहुत अर्थनीतिर पूरा डाउन देखाला है आम आर्थिक परिमाण पूरा शोचन हो गला किसी रही एमती दिन आसला कि भारत भारत सरकार निजर कर्मचारी मानक दरमा ठीक से दे पार ना मैं जो मैंने सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मैंने सरकारी काम करते से ठीक से दरमा मिल पार ना बुझ पार्च आ विदेश जो टंका सब भारत में गचती तार परिमाण दिन हिसाब से कमी 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 गला आ रही कौन होता ना आम जो जय बृद्धि चलूला
से थर कौन हो जो उन्नीस एकानबे मसीहा पाखापाखी उन्नीस नब्बे है से टाइम कौन जीरो पॉइंट एट परसेंट तलू खसीगला पूरा तो जाते प्रत वर्ष बढ़ी बढ़ी जबार कि से थर कौन है ना जीरो पॉइंट एट परसेंट तलू कमला जाते आयु मैंने कमीगला आउ कौन हो मुद्रास्फीति बार शतकड़ा बढ़ीगला मुद्रास्फीति मान कौन जान मुद्रार मूल्य है कि मानने आमर जो भारतीय मुद्रा ना कि ब्रिटिश रो माने एक डॉलर सहित बर्तमान के तेस्तर टाँग एमती अच्छे है बास्तर तेस्तर एमती होती अप एंड डाउन हो टाइम कौन ना बारह शतक बढ़ीगला तो टाटी सहित आम मान्य मान्य से टाइम कौन तक एक टाँह सहित आम शह टाँग था तो बार शतक बढ़ला तो मैंने कौन है कहल एक टाँग जहाँ आम शहे बार टाँह से बुझीपड़े तेल आम डिमांड कमला मुद्रा सीना गोटे टाँह सहित आम शहे बार समझाई कि आम डिमांड कम कमी जाए क्या गोटे टाँचा जहाँ होता है शहे बार टाँह देकर सीटा काम करा पड़ता है बुझे आम मुद्रास्फीति बढ़ला महंगा बढ़ला खाली एमती अवस्था है तो शेष में भारत सरकार कौन कले ना बाध्य आम देश में जो सुना गुड़िका नहीं बैंक अफ लंडन में बंधा पकड़े बैंक अफ लंडन है अंतर्जात बैंक से गोटे से बंधा पकड़े तापर से बैंक रू कि टाँग आने तो से बैंक मध्य गोटे कंडीशन रखिले कहे ना तुम्हें जो अर्थव्यवस्था चलुच से अर्थव्यवस्था कहे तुम तो निज कर्मचारी को टाँग दे पारे आमको कमी तो टाँग फेरब ना तुम्हें नुआ अर्थनीति आपणवाक पड़ो तुम्हें जो संकोचक रखी तुम आर्थिक व्यवस्था तुम सब बेपार आमदानी रप्तानी सब देश देश भितर जो सब कटकना जहाँ रखी ताको उठा पड़ो सब कोहल करा पड़ो कले तुम देश अन्य देश सहित मानने व्यवसाय करम देशर आर्थिक अवस्था बढ़े तुम रिटर्न कर पार एबे जो प्रकार सब रखी तुम सिस्टम गुड़िक न उठेला जाए मुझ टा देवी तेणु भारत सरकार कौन कले ना से टाइम उन्नीस एकानबे मसीह तीनटा नूतन आर्थिक नीति आपणाई कौन कौन तीन टा गोटे हूँ उदारीकरण आउ गए घरकरण आउ गए जगतीकरण ये जो चैप्टर पढ़ु ना आपने आर्थनिक विकास मेन हूँ ये तीन टा है फुल चैप्टर ये तीन टा सब इम्पोर्टेंट ओके तो गोटे गुड़ी डिस्कसन करवामें कौन कौन से तीन टाला ना गोटे उदारीकरण आउ गए घरकरण आउ गए जगतीकरण उदारीकरण मान कौन जमी पूर्व कही कि भारत सरकार कौन करते सब जो घर संस्था गुड़िक घर उद्योग गुड़ी अधिक नियंत्रण रखी थे ना से सब हटे सब कटक हटे कौन करमदानी रप्तानी क्षेत्र जहाँ भी कटक था हटाला आमदानी रप्तानी में बहुत किसी कटक लाइसेंस बनवा पड़ा जब तुम विदेश को रप्तानी कर लाइसेंस बनवा पड़ा टैक्स भरिया पड़ा है सब जहाँ छाड़ करदे कि कोड़ा गुड़ा पूरा कोहल कले मैंने बहुत कम कम टाइम एमती कले तेना कहला आमदानी रप्तानी ठीक ठाक चलना आउ जो घर संस्था गुड़िक ना कि जो शिल्प क्षेत्र में कारखाना सब जिन करते स्वाधीन दिगला जो चल मन इच्छा तुम हिसाब से तुम जहाँ चाहे ता उत्पादन करती परिमाण चाहे से उत्पादन करमठू परमिशन दरकार नहीं है एमती गोटे उदारता देखाला उदारीकरण मान कौन से मेरे उदारता प्रदर्शन कराला पूरा सबकि फ्री कराला घर शिल्पपति तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी मानक स्वाधीनता प्रदान कराला जी भी घर शिल्पपति थे मैंने जो व्यक्ति विशेष घर संस्था गुड़िक सरी से मू कि जी बहुराष्ट्रीय कंपनी मैंने जो विदेश कंपनी गुड़िकारूँ कहते कौन भारत ये सामग्री बिक्री कर भारत कौन कटक लगे ताको स्वाधीन कर आस बिक्री कर आम तुम नहीं सबकि पूरा सामने स्वाधीन देता डब्ल्यूटीओ मानने विश्व वाणिज्य संगठन विश्व वाणिज्य संगठन उदारीकरण नीति को समर्थन कर भारत जो उदारीकरण नीति चली था जो उदारीकरण नीति आसा ना उन्नीस एकानबे मसीह पर तो विश्व वाणिज्य संगठन या समर्थन कराजे कौन डब्ल्यूटीओ मान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व वाणिज्य संगठन सी खाली भारत को समर्थन कर उदारीकरण नीति उदारीकरण नीति जो देश अपनाऊँगी ताको डब्ल्यूटीओ समर्थन कर विश्व वाणिज्य संगठन ताको समर्थन जनाऊँगी आ विश्व वाणिज्य संगठन देना 2016 मसीह सुधा मात्र कौन 164 देश यार सदस्य अच्छे यहाँ परीक्षा आस 2016 मसीह सुधा विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य केतोटी देश आंसर 164 164 देश क्लियर नेक्स्ट एटा कौन बुझे ना उदारीकरण मान कौन सब विषय स्वाधीन प्रदान करा पूरा उदारता देखेगा सरकार क्या जो घर संस्था गुड़ी है जो चल आयुष कर पूरा मनुष्य व्यवसाय कर चल ता द्वारा कौन से लाभ हासिल कर कार्य कर चलिए अधिक इनकम इनकम है मैंने कौन आम देशर ना से सब आम देशर आर्थिक व्यवस्था बढ़ देश जतिया बढ़ देशर आर्थिक व्यवस्था बढ़ी तापर से दुई नंबर अच्छे घरकरण घरकरण मान कौन जान ना जो सरकारी संस्था गुड़िक जो सरकारी उद्योग गुड़िक जो विफलता देखा से सब कौन कर सब घर संस्था को हस्तांतर कराला है जे घर मालिकाना जो व्यक्ति विशेष थे सब हस्तांतर कराला
कौन देख ना सरकारी उद्योग विफलता क्षति होगा जो कौन कर उद्योग गुड़ी सब घर व्यक्ति हूँ कि कंपनी को बिक्री कराइला कहीं आम चल पार्जुन कहीं सरकार कौन चाहूँ सब सरकार चाहते जनकल्याण तेनाली बहुत क्षति से पड़ेगा सरकार को तेनाली कौन कले सब घर व्यक्ति हूँ कि कंपनी को बिक्री करदे सरकार संस्था गुड़िक सब सरकार उद्योग गुड़िक से बिक्री करदे है क्या घर को कंपनी मान जो प्राइवेट संस्था को बिक्री करदे है घर उद्योग को प्रोत्साहन कराला से प्रतिजोगिता उत्साहित कराला प्रोत्साहन कराला कि तुम्हें डेवलप कर चल जी ए बर्ष अधिक मैंने बिजनेसमैन बहुत भल इनकम कर पाला सरकार किसी आवार्ड देते एमती विभिन्न प्रकार सब प्रोत्साहन कराला कहला तुम भितर प्रतिजोगिता कर चल तमें कौन करेंगे से प्रतिजोगिता भाग ने बहुत स्पीड में निजर डेवलप करेंगे निजर इकोनोमी को ओके ये सब करापर कौन ना सरकारी उद्योग विफलता हूँ यार मुख्य कारण प्रश्न आस घरकरण जो कराला नीति को ग्रहण कर भारत मुख्य कारण कौन ना सरकारी उद्योग विफलता सरकारी उद्योग गुड़िक सरकार अंडर में जो संस्था चलता सब जगह फेलर होगा किसी भी ठीक से चलानी है तेणुक सरकार बाध्य से सब गुड़िक जो थी सरकार लस पाते जो सरकार को क्षति सेवा पड़ता है घर संस्था गुड़ को बिक्री करदे है मालिक जे घर व्यक्ति कंपनी से सीधा प्राइवेट करदे पूरा घरकंड मैंने कौन रे ना सरकार कौटी हस्तांतर है प्राइवेट गवर्नमेंट टू प्राइवेट गल सब जगह सरकार जो चल पारे प्राइवेट को देदे से नेक्स्ट देख एटा बुझे तार मेन कारण कौन ना सरकारी उद्योग विफलता हूँ घर सरकारी उद्योग विफलता है फल घरकरण नीति आम भारत सरकार ए नीति को अपण नेक्स्ट आठटी क्षेत्र में सरकारी उद्योग एक चार्ट अधिकार रहा आठटी क्षेत्र में केवल सरकारी उद्योग एक चार्ट अधिकार रहा मैंने आठटी क्षेत्र में सरकार निज कंट्रोल रखी बाकी सब जगह कौन कले हस्तांतर कर जो प्राइवेट वाला जो घर व्यक्ति विशेष जो कहनी कंपनी सब जगह देते अठटी क्षेत्र परीक्षा आसो पे प्रश्न आसो कतोटी क्षेत्र है कि सरकारी उद्योग निज एक चार्ट अधिकार रही रही कौन लिखे अठटी क्षेत्र में हैला तो ये थी कौन घरकरण नेक्स्ट जगतीकरण जगतीकरण मान कौन जगत मान पूरा विश्व जो भारतर जो वाणिज्य कारबार निज अर्थनीति विश्व बजार को पूरा ओपेन कराला मानते भारत बर्तमान भारत भित्त ना पूरा संपूर्ण देश सबू देश हो पूरा समग्र विश्व में निजर बजार सृष्टि कर पार्ला सब निज सामग्री बिक्री कर बाहर देश लोक मैंने आसिक भारत में निज निज कंपनी बनई पारे भारत जाकि बाहर कंपनी बनई पारा से भारत गोटे कंपानी में पुंजी विनियोग करें है बहुत किसी चलना कौन कौन देख जो जगतीकरण ना ये गोटे बजार भित्तिक अर्थनीति यहाँ भी परीक्षा आसो जगतीकरण क्यों प्रकार अर्थनीति से जो बजार भित्तिक घोषित थोड़ा एग्जाम पड़ा मानते छाड़बन जगतीकरण क्यों प्रकार अर्थनीति बजार भित्तिक अर्थनीति गोटे है जगतीकरण हूँ बजार भित्तिक अर्थनीति जो पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित नाला कि तीन टा पूंजीवादी समाजवादी और मिश्र अर्थव्यवस्था था से भर तो बहरी केवल तीन टा रही चार नंबर भी अच्छी एनसीईआरटी बुक देखो जो इंग्लिश पीला बजार भित्तिक अच्छी है तो बजार भित्तिक कौन जी ना जगतीकरण भितर जी तो परीक्षार प्रश्न से जगतीकरण क्यों प्रकार अर्थनीति आंसर लिखा बजार भित्तिक अर्थनीति आठ कौन करना उत्पादन वाणिज्य और पूंजी बीज क्षेत्र में पूरा आम देश को संपूर्ण देश सहित सामिल कराला है मैंने भारत पूरा विश्व में सब जगह उत्पादन कर सबुटे वाणिज्य कर पुंजी विनियोग करें आम देश में उत्पादन करेंगे तो अगर देश मैंने भारत को आसिक वाणिज्य करेंगे पुंजी विनियोग करेंगे पुंजी विनियोग मैंने कौन उच्च मन कर भारत गोटे कंपनी या अर्थ दरकार है तो विदेश विदेश बड़ बड़ कंपनी मैंने निज टा लगे पारे जदि किसी लाभ हो तो से लाभ मिलेगा यह पुंजी विनियोग है यह सब हो कहीं जगतीकरण ना पूरा जगत सारा जगत में पूरा भारत बर्तमान वाणिज्य करने ओपन करदेला सबुटे से भारत करें भारत में जाइए सबुटे वाणिज्य कर टिकस शुल्क हार ह्रास उच्छेद कराला जहाँ भी टिकस आम रप्तानी क्षेत्र में हूँ कि आमर जहाँ भी किसी वाणिज्य कारबार हूँ विश्व बजार में जब कि गोटे सामग्री नहीं आम से उत्पादन करवा पुंजी विनियोग करवा कि आम देश से आस उत्पादन करेंगे तो टैक्स पड़ता सब है कि टिकस कि शुल्क हार ये सब ह्रास करा कि हटा समग्र विश्वर बजार गोटे बजार पर प्रतिफलित है जितने जगतीकरण नीति भारत आपणला समग्र विश्वर बजार गोटे बजार पर लगेगा एट बोध प्रश्न आसो समग्र विश्वर बजार गोटे बजार पर जो प्रतिफलित होता प्रत्युत होता क्यों नीति जो यह संभव हो पार्टी तीन अप्सन आसो आंसर लिख जगतीकरण जगतीकरण जो समग्र विश्व बजार गोटे बजार पर प्रत्युत होगा तरह थी कौन आमर जो नूतन आर्थिक नीति आसाला उन्नीस एकानबे मसीह कहीं पूर्व ना मुझे सब कौन कौन असुविधा सामना कराया पड़ता भारत को ठीक अच्छे तो उन्नीस एकानबे मसीह पर यह परीक्षा प्रश्न आसो नूतन आर्थिक नीति के भारत आपण होता तो आंसर उन्नीस एकानबे मसीह उन्नीस एकानबे मसीह पर लाभ होता है नूतन आर्थिक नीति ये तीन ठीक
ठीक अच्छे तो एबे आम डिस्कसन करवा नूतन आर्थिक नीतिर कौन कौन सब प्रभाव पड़ता कौन कौन भल यार कौन कौन सब फेलर कौन खराब होता डिस्कसन कर देख बर्तमान आम डिस्कसन करवा नूतन आर्थिक नीतिर प्रभाव आम जो देखी कि 1991 मसीह आम देश में नूतन आर्थिक नीति प्रचलन होता कौन कौन गोटे उदारीकरण है नंबर वन उदारीकरण नंबर टू हूँ घरकरण नंबर थ्री जगतीकरण जगतीकरण अल्प टी टपिक अच्छी जोटा कि सेपरेटली मैंने भिडियो सर सर कहबी है टाइम कह तो ये आम डिस्कसन करवा नूतन आर्थिक नीतिर प्रभाव कौन जो तीन टाइम अर्थनीति अपने ग्रहण करते से तीन अर्थनीतिर कौन कौन प्रभाव पड़ता कौन कौन सुप्रभाव पड़ता है कौन कौन कुप्रभाव पड़े तो सुप्रभाव गुड़ा कौन देख मैंने कौन कौन भल होती है देशर नामीदामी कंपानी विभिन्न खाउटी द्रव्य उपलब्ध मैं जिते सब नामीदामी कंपानी सब ब्रांडेड कंपानी गुड़िकर जहाँ भी सामग्री थी सबूक आम देश में उपलब्ध है जमीन आम कह रेडमी फोन है मोबाइल फोन हो कि मोटर गाड़ी हो विदेशर ओके आ कौन इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री गुड़िक सबूक बहुत कम प्राइस आम देश में से सब बिक्री हो जब आम देश में आम तैयारी करता बिक्री करता अधिक अधिक टाँग लगता है कि ब्रांडेड कंपानी गुड़ सब आम देश में बिक्री करमक से सब द्रव्य गुड़िकजे मिल जाऊ कौन है सुविधा होती नूतन अर्थनीति जो ना दूरसंचार क्षेत्र में बहुत अग्रगति होती भारत दूरसंचार क्षेत्र में बहुत अग्रगति होती नेक्स्ट हूँ वैदेशिक मुद्रार गस्त परिमाण 2019 मसीह इतनी वृद्धि होती परिमाण अच्छी है मैं 2019 मसीह 2021 कैलकुलेट है 2019 मसीह के 45,300 कोटी डॉलर इतनी डॉलर टाँग है कितने डॉलर 45,300 कोटी डॉलर टाँग खाली एवं अच्छी मैंने 2019 मसीह इतनी वृद्धि होती जहाँ द्वारा कौन विदेश सहजे जेको जिस आमदानी करें कहीं आम पाखे इतनी वैदेशिक मुद्रा अच्छी है 45,300 कोटी टाँग ये कोटी मैं आम इंडियान रूपये ये डलार गोटे डलार हो जान 73-74 इतनी टाँग कितु इतनी डलार 2019 मसीह आम पाखे इतनी डलार टाँग ये कोटी है सीआर लगे मैंने कौन क्रोर है 45,300 करोर डलार ये अच्छी बर्तमान ओके हेल्ले सब कौन गोटे गोटे सुप्रभाव मानने आमर भल हो कौन पर जो नूतन अर्थनीति प्रचलन कराइला कि सब बड़ फेलियर हो सबुठ बड़ मानने कौन कहपर फेलर तो गला मैंने कुप्रभाव गोटे कौन से नियोजन क्षेत्र में किसी भी सफलता हासिल करनी भारत नियोजन मान उच्च जो कर्मचारी मैंने बेकारी संख्या भारत अधिक अधिक बेकारी अच्छे बर्तमान लोक मैंने एजुकेटेड हो डिग्री सर्टिफिकेट पाओ तथापि से ठीक है मैंने काम से मिलूनी घर बस कि कौन अलाल सदा करूँ ठीक है भारत युवक मानक नियोजन क्षेत्र में ठीक है मैं नियोजन लगे पारे ठीक है समस्त काम दे पारे तेणुकर आम बेकारी संख्या बढ़ी 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 चलती है नूतन आर्थिक नीति जो देश बेकारी संख्या बढ़ी बढ़ी चलती ओके तो यहाँ थी कौन नूतन आर्थिक नीतिर प्रभाव देखने आम सब कौन कौन सुप्रभाव सब कुप्रभाव होती नियोजन क्षेत्र में बिल्कुल विकास होनी भारत है बेकारी संख्या बढ़ुचे यहाँ प्रश्न आस परीक्षा कि क्यों क्षेत्र में भारत नूतन आर्थिक नीति प्रचलन पर क्यों क्षेत्र में पछे जाए सी जीव कौन नियोजन क्षेत्र में पूरा पछुआ अच्छे नेक्स्ट आम देखा विश्व वाणिज्य संगठन जोटा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कौन ना 1995 मसीह गठित होती विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य कार्यालय कौटे जेनेभा विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य कार्यालय हूँ जेनेभा केबे गठन होती 1995 मसीह पृथ्वीर विभिन्न सबू बहुत विकास देश विकास देश से लेकिन से गठित होती मुझे डिस्कसन करी 2016 मसीह सुधा 164 देश ये विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य अटे 164 मैं 164 ये 2016 मसीह सुधा यार सदस्य अटे ओके आ भारत के जॉइन कर विश्व वाणिज्य संगठन में 2001 मसीह भारत द्वारा सदस्यता लाभ कर 2001 दुई मस पर जहाँ भी किसी विश्व वाणिज्य संगठन जहाँ भी किसी नियम था सब भारत मानी सब जो सामग्री गुड़िकर कटका था सब कटक हटाला आ 215 पणय द्रव्य उपर जो कटक लगे सब कोहल कर सब हटाला तो विश्व वाणिज्य संगठन मेन मोटिव कौन जो समग्र विश्व दरबार किपर बजार सृष्टि करवा सबू देश परस्पर मध्य वाणिज्य करेंगे तीन टा तार मुख्य उद्देश्य अच्छी विश्व वाणिज्य संगठन कौन कौन गोटे हूँ विभिन्न देश देश भितर मुक्त भाव में अबाध और निरपेक्ष वाणिज्य कारबार प्रचलन है सबुटे कमी मुक्त भाव में अबाध में निरपेक्ष समस्त वाणिज्य करें नंबर टू हूँ द्विपाक्षिक वाणिज्य राजीनामा बदल बहुपाक्षिक राजीनामा द्विपाक्षिक मैंने कौन केवल दुई सामग्री मुझे तो सामग्री बिकली तु केवल सेना बिकली आ विषय कि बर्तन कौन बहुपाक्षिक विभिन्न प्रकार सामग्री सब नेणदान करें बहुपाक्षिक राजीनामा चलना
आम दिन नियम और कटक सबकि कौन कराला प्रच्छेद कराला जो आम दिन रप्तानी क्षेत्र में किसी नियम था किसी कटक लाइसेंस बनवा पड़ता टैक्स देवा पड़ता से सब किसी उच्छेद करदे से सब किसी परिमाण में कोहल करदे भारत है भारत कौन माने यहाँ तर मुख्य उद्देश्य विश्व हिंदू संगठन में जो देश तर सदस्य पाइब ये तीन टाइम से बाध्य फास्ट कौन मुक्त अबाध निरपेक्ष भाव में वाणिज्य करवाई एलाउ करा पड़े अनुमोदन देवा पड़े सब देश आज्य करेंगे नंबर टू द्विपक्षीय वाणिज्य राजीनामा बदल में बहुपाक्षिक राजीनामार प्रचलन नंबर थ्री हूँ आमदनी और रप्तानी नियम जो कटक था कटक पूरा कोहल कम करा पड़ा हटा पड़े पूरा यहाँ हूँ विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य पक्ष तीन ए दिग्वे अधिक ध्यान दूसरी है भारत कहे भारत के जॉन कर 2001 मसीह 215 कटक सब किसी हटे तो देख जो विश्व वाणिज्य संगठन है विभिन्न देश जॉन कर विकासोन्मुख हो कि विकास हो मेन प्रॉब्लम कौन जान विकसित देश गुड़िक तार सदस्य अच्छे ना तेनालीसार से सब नियम गुड़े चलती है तेणुक भारत आज एक शतकड़ बहुत कम परिमाण से विश्व बजार बिक्री कर मानते भारत ना 99% खाली भारत देश भितर बिक्री कराकि एक शतकड़ा भी पूरा ना तर कम परिमाण तरह केवल से विदेश को रप्तानी कर तो भारत अर्थनीति बहुत कम अच्छे बुझिपार तो कहीं मूल कारण देख कौन भारत ना जो सामग्री या अधिक दर से या कर अधिक टाँग लगे बनाया बिक्री करवाया अधिक रेट बिक्री कर कहीं या अधिक टाँग लगे ना कमी से शस्त बिक्री कर ना तेणुक भारत सबुठे निज सामग्री बिक्री कर बहुत कम परिमाण भारत रप्तानी कर भारत आमदनी अधिक कर भारत रप्तानी कर पारे मेन प्रोब्लम आमदनी अधिक कर आमदनी अधिक कले कौन मैं अधिक शस्तार जिनस मिलती भारत को शस्तार जिनस मिलती सीना कि भारत लोक मान बहुत क्षति हो आम शस्तार बाहर देश जिन पिंधुंत कि भारत जो सामग्री उपलब्ध होती जो सामग्री या सारा कौन आम देश में चलो कि ना कहीं आमको तो विदेश शस्तार मिलूँ ना आम निज देश सामग्री कहीं किणवा बुझिपना एमती सब असुविधा होगा तेनाली भारत शिल्प क्षेत्र बहुत क्षतिग्रस्त हो कृषि क्षेत्र में बहुत बहुत क्षतिग्रस्त होमिका सब सामना कराया पड़े कहीं जिते भारत आम विश्व वाणिज्य संगठन में जॉइन कला जगतीकरण नीति प्रचलन कला आम देश में है कि से अर्थव्यवस्था ग्रहण कला तेणुक एम सब प्रोब्लेम फेस कराया पड़े तो आम को दिग ध्यान देवा पड़ो किपर आम जो जिन या सामग्री प्रस्तुत करूँ बहुत कम टाइम के हो पार किपर भल बेस्ट क्वाटर जिनस किपर शस्त उपलब्ध हो पार समस्त को ध्यान देवा पड़े ताल जाए कि आम विश्व सहित विश्व वाणिज्य कारबार आम वाणिज्य मत चल विश्व बजार में आम सामग्री उपलब्ध हम एवं आम देश अर्थनीति आउ गोटे स्टेप आगे बढ़ ठीक अच्छे कितु गोटे जिन भारत बहुत बढ़िया चलती कौन जान भारत लुगापटना आमेरिका बजार में बहुत चाहिदा अच्छे से मैंने भारत लुगा देखे मैंने पूरा आट्राक्टिव है आम जो एपल मैंने जो आपल आईफोन केमती जहाँ पाखे आपल आईफोन अच्छे पूरा सदा हो अधिक कस्टली तथा लोक किंचुत ना कि भारत लुगापटना अधिक मूल्य आमेरिका बजार बिक्री हो तथा से बहुत खुशी होती भारत लुगापटा बिक्री तेनाली किंचुति तेनाली प्रश्न आसो कि आमेरिका बजार भारत क्यों जिन चाहिदा अधिक आंसर लिखे भारत लुगापटा है कि पटा लुगापटा लुगापटा चाहिदा अधिक जीन्स पैंट हो सार्ट पैंट हो सब किसी आमेरिका बजार में बहुत चाहिदा अच्छे तो सबकि सर जाए मुझे जगतीकरण रोटे जिनस कह जो चाहिए सारा कौन जो है आमेरिकार उदाहरण मैंने से बहुत प्रकार प्रश्न आसू बहुत प्रकार प्रश्न आमेरिका जहाँ कह कौन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सी कौन कौन जानते ना जो सामग्री तैयारी करवाक थी निज देश में तार आईडिया लगे सी तर डिजाइन केमती हम सब किसी निज देश करपर जो जिन तैयारी कर पार्ट जगह सब कौट या कर सब पार्ट जगह तैयारी करेंगे चाइनारे सी चाइना डिजाइन करेंगे कौटे तरह तर डिजाइन सब जो आईडिया जहाँ भी लगे सब आमेरिकार हम कि से जो बहुत बड़ा जिनस तैयारी कर तार पार्ट जगह सब कौट बनब चाइनारे कहीं चाइनारे कर चाइनार लोक मैंने बहुत कम टाँगा सब कम करेंगे बहुत कम टकरे सब कम करेंगे है एट परीक्षा प्रश्न आस लोक मैंने स्वल्प मजूरी भी कम करते हम चाइना तो पार्ट जगह से करदे से पार्ट जगह जहाँ जहाँ आसो मेक्सिको मेक्सिको हो कि ईस्ट यूरोप है कौटी चाइना तो पार्ट जगह बनाने तरह मेक्सिको आसो ईस्ट यूरोप जी पूर्व यूरोप जी से पार्ट जगह जोड़ा तापर जो जिन या कौन कर विभिन्न देश है सब देश को सप्लाई कर सब देश को से जिन सप्लाई कर बुझ पार आम के चल कि से कौन कर देश डिजाइन बनला बहुत टैलेंटेड लोक मैंने डिजाइन करदे चाइनार जेहतु लोक मैंने कम टकर सब जिन तैयारी करते तेनाली से सब पार्ट जगह तैयारी करदेव ताको जोड़ गोटे मेक्सिको कि पूर्व यूरोप जोड़ बिक्री कर समग्र विषय
आउ खाउटी सेवा किए प्रदान कर जो कॉल सेंटर किए प्रदान कर इंडिया आम आम इंडिया से कॉल सेंटर सी एल एल सी एन टी आर कॉल सेंटर बुझे ना जो फोन में कथबार्ता सब मुंबई जो दिल्ली जो बेंगलोर जो अधिक दिखे कॉल सेंटर गुड़ अच्छी से कौन काम ना जो एम जो सामग्री बिक्री करेंगे ना ताक कथ पड़ो ना गोटे कम्युनिकेशन रखा पड़ो किस के सामग्री नब किए के टाँग देना ना आम जिन प्रडक्ट सेल कर नब कि सब कथबार्ता सुखी हम ना भारत सब कर्मी काम करें कहीं भारत ना लोक मैंने इंग्लीश जो स्पोकन इंग्लीश बहुत टैलेंटेड अटंट आउ सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में भारत जंत्री और इंजीनियर मैंने बहुत टैलेंटेड अटंती तो ये सब कौन कॉल सेंटर काम सब भारतीय लोक मैंने करते कहीं अमेरिका पूरी बहुराष्ट्रीय कंपनी मैं केवल अमेरिका नहीं बहुत एमती कंपनी फ्रांस हो इंग्लैंड हो जापान समस्त कौन करती एम सब विभिन्न देश में से जिन तैयारी करती आउट देश में जोड़ती आउ अलग बिक्री करती भारत से सब कॉल सेंटर कहीं भारत छाड़ूमती कि सब अच्छे तो ये डाटा कहला परीक्षा प्रश्न आस पार भारत कौन कॉल सेंटर पर आउ चाइना कम टाइम सब सामग्री तैयारी कर ठीक अच्छे सुभाष आम चैप्टर पूरा सर एवं चलो आम किसी क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा बर्तमान आम सब क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा नंबर वन देख 1951 मसीह भारत जातीय आय कते कोटी टंका थिला एटा फर्स्ट टाइम डिस्कसन कर सारी आंसर हम 1-3-2-3-6-7 मान घ है ये कोटि टंका थिला भारत जातीय आय कोटि टाइम 1950-51 टाइम अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः क्यों अभिवृद्धि को बुझाए अर्थनैतिक अभिवृद्धि बुझाए पड़ो है तापर क्यों देश एक विकासोन्मुखी देश विकासोन्मुखी भारत पाखापाखी तो भारत का अच्छे अप्सन नहीं तेणु भारत हो क्यों अर्थव्यवस्था लाभ पाया लक्ष्य रखी कार्य कराए लाभ पायापी को अर्थव्यवस्था से पुंजीवादी अर्थव्यवस्था नेक्स्ट केते मसीह भारत नूतन आर्थिक नीति प्रणयन कराई भारत में नूतन अर्थनीति केते मसीह प्रणयन कराई कौन हम आंसर ते बाबा 1991 मसीह 2016 मस सुधा पृथ्वी केतोटी देश विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य 164/164 उन्नत ज्ञान कौशल प्रयोग कृषक मान को क्यों स्तर तालीम देने व्यवस्था कराई ग्राम पंचायत स्तर में तालीम देने व्यवस्था कराई सब किसी पढ़े निम्नलिखित मध्य क्यों सरकार द्वारा प्रतिष्ठित परिचालित एक उत्पादनकारी संस्था अटे सरकार द्वारा किए सी रेल विभाग है कहीं बजाज टाटा रिलायंस सब घर संस्था गुड़िक रेल विभाग हो डाक विभाग यह सब सरकार द्वारा परिचालित विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य कार्यालय कौटे जेनेवा 1995 एस्टाब्लीश होती कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि क्यों एक भूसंस्कार आईन नुहे कौटा गोटे अटे देख से भूमि कृषि को कृषि श्रमिक को सरकार जमीन प्रदान यहाँ अटे जो थोड़ा सर्वस्व निर्धारण अटे जमीदारी उच्छेद यहाँ भी अटे सरकार ऋण छाड़ ना यहाँ ना ये तीन जीव कौटे भूसंस्कार यहाँ का हमने है सरकार ऋण छड़ा जाए करेक्ट आंसर क्यों मसीह भारत विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य देती 2001 मसीह क्यों मसीह पर भारत में द्वित शिल्पायन शिल्पनि कार्यकारी कराई कही जो स्वाधीन होती तार पर मैं 1948 स्वाधीनतार परवर्त वर्ष आम द्वितीय शिल्पायन बोली सब शिल्पनि कार्यकारी गुड़ कराई क्यों क्षेत्र में नूतन अर्थनीति देश आसानु भाव सहायक हो पारना कौन क्षेत्र नियोजन क्षेत्र में मैं से विकास समस्या बढ़ बढ़ चलती निम्नलिखित मध्य क्यों विकसित देश गुड़िक नियंत्रित अवस्था थाए विकसित देश नियंत्रित अवस्था किए था जनसंख्या ତାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତର କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ ଜଗତୀକରଣ ଯେଉଁଟା ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଜଗତୀକରଣ ଯେଉଁଟା ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଦେଶର କେଉଁ ଆୟ ନିରୁପାତ ହୁଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବାଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେଉଁ ଦଶକରେ ଭାରତର ଏଥିରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲେ ମାନେ 60 ଦଶକ ମନେ ରଖିଥାଉ କେଉଁ ନୀତି ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଜାର ଗୋଟିଏ ବଜାର ପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଜଗତୀକରଣ ଜଗତ ହେଲା ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଜଗତ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ବଜାର ଭଳି ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏକଚଟି ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 18 କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବେଶୀ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନୁଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ବିକଶିତ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ ମାନେ ସେ ସମାଜବାଦୀ କାହିଁକିନା ସରକାର ହେଉଛି ତା ମାଲିକ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଫଳତା ହେଲା ତେଣୁ କ'ଣ ଘରୀକରଣ କରାଗଲା ସବୁ ଶିଳ୍ପକୁ ଘରେ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତା'ର ଯୋଜନା ଡିଜାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଆମେରିକା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଯାକ କେଉଁଟା ହେବ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତା'ର ଯୋଜନା ଡିଜାଇନ୍ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଆମେରିକା ସବୁ ହେଲା ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତର ବସ୍ତୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଅଛି ଭାରତର ଲୁଗାପଟା
କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଯେତିକି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ସେଟା ଉଦାରୀକରଣ ହେଲା, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ତାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କେଉଁ ଦେଶରେ ତିଆରି କରେ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କେଉଁଠି ତିଆରି କରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚୀନରେ, ଚୀନର ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୁଦ୍ରିତ ମୂଲ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଆସିଥିବା ଆୟ ସବୁଦାୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ। କେଉଁ ଦେଶ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଚୀନ ହେଲା। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।